स्वागत है टीवी से बॉलीवुड में। अपने हैंडसम स्मार्ट मतलब ऋतिक तो नहीं बोलूंगा, ऋतिक से अलग हटके हो, खुद का अपना एक मकाम वजूद बनाऊंगा आने वाले दिन में। जिस गली मोहल्ला में रहो तो लड़कियां किस नाम से बुलाते हैं या कैसे बुलाते हैं आपको जानना था। अरे ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसे स्पेसिफिक नाम वाम से नहीं बुलाते सब। मैं तो अभी खारघर में रहता हूँ मुंबई में, और इतना एक्चुअली टाइम नहीं मिलता गली मोहल्ले में जाने का, क्योंकि यहीं पर शूटिंग करते रहते हैं तो इतना विजिबल नहीं होते किसी को इतने हेक्टिक शेड्यूल में। बस इतना कुछ नहीं है, सब ऊपर वाले के देन है जो अभी दिख रहे हैं थोड़ा, और मुझे लगता है सभी बहुत सुंदर हैं सेट पे, तो इतने अच्छे अच्छे गुड लुकिंग एक्टर्स हैं। देखो स्मार्ट तो सभी है ना, ऑर्डर पर इतनी खूबसूरत आंखें अली के भी नहीं है, जो अली हमारे जो मेन लीड हीरो है, इतनी खूबसूरत आंखें तो मैं बताऊं लिख के देखो, इतनी खूबसूरत आंखें उसका भी नहीं है। बट ऐसा कुछ नहीं है, अब आंखें मेरी मेरी नानी पे गई हैं तो उनकी खूबसूरत भी बहुत आ गई, मुझे लगता है उन्हीं से मिली, तो थैंकफुल टू गॉड एंड माय नानी। कभी किसी ने सेट पर जेलस किया आपकी आंखें के या तो खूबसूरती, किसी ने जेलस करता है सेट पे अली बाबा सेट पे? जेलस तो नहीं, ऐसे कोई नहीं करता, सब बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। तो मुझे एक्चुअली मैं इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ सच कहूँ तो। मेरा मानना है यार कि आपका काम बस बहुत अच्छा होना चाहिए, बाकी दिखना विखना तो सब। पर फिर नाम किस कोई लड़की है किसी नाम और नाम से पुकारता हो, हैंडसम बॉय या चाउमीन बॉय, कभी किसी ने किस लड़की ने बोला? यार ऐसे तो कॉलेज वॉलेज के टाइम पर बोला था, कि याद नहीं रहता, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं। अच्छा दूसरी बात पूछा, सेट पर जैसे फातिमा है, मरियम है, अली है, कैसे बॉन्डिंग है, कैसे शूट मतलब रहता है इन और उसके ना? अच्छा बॉन्डिंग है फातिमा और मैं, मतलब खुशबू और मैं बहुत अच्छे से। सेट पे तो हमारे सीन्स बहुत कम रहते हैं, बट हम लोग एक्चुअली मैं रियल लाइफ में बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर एंड हैव अ लॉट ऑफ फन, तो बहुत मज़ा आता है साथ में। अली और मरियम के साथ भी बहुत मज़ा आता है, हम लोग बर्थडे बर्थडे पार्टी जब होती है तो एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। मरियम के साथ मैंने पहले काम किया एक शो में सुभान अल्लाह में, तो उसमें भी हम साथ में थे, तो अच्छा बॉन्ड है। और अली के साथ मैंने वर्कशॉप से उसको वो से मिला हूँ मैं इसी शो के, तो वहाँ से जब हम मिले तब से हमने फिर अपनी एक बॉन्ड क्रिएट किया जो कि बहुत अच्छा है, मिलते हैं तो बहुत मज़े करते हैं, बस यही है कि बहुत अच्छे दोस्त हैं। ऑडियंस ने अली बाबा हमेशा गेटअप में देखा, पहली बार हम जो कर रहे हैं बिना विदाउट गेटअप नॉर्मल लुक में देख रहे हैं, तो अब तो उस समय तो थोड़ा गेटअप में छुप जाते थे आपकी खूबसूरती, कि आज जब ऑडियंस देखेंगे आपके खूबसूरती बात में तो बहुत महसूस आएंगे आपके लिए। चलो अच्छी है, मैं आता रहूँगा, मैं आता हूँ, जब आप आता हूँ तो ले लिया करो। अच्छा ही बताओ, अच्छा सब जाता हूँ ऐसे ही जाता हूँ। आपको अभी अलीबाबा में कोई रोमांटिक या कोई गर्लफ्रेंड एंट्री हुआ कि नहीं हुआ, क्या है सिस्टम, क्या चल रहा है अभी यहाँ पे? ऐसा कुछ ट्रैक ही नहीं चल रहा है, बहुत सीरियस नोट पे ट्रैक चल रहा है, तो अभी तो अलीबाबा में अरे प्रोजेक्ट होने वाला है बहुत मेन, जो स्टोरी है अलीबाबा की वो आने वाली है, जो अच्छा अभी उस ट्रैक पे नहीं है, शायद आगे जब थोड़ा सा ट्रैक चेंज होगा। कोई ऐसा सीन आपने अलीबाबा में किए होंगे अभी तक जो आपको बहुत अच्छा मेमोरी में लगा रहा, भाई ये सीन मैंने पहली बार किया अच्छा लगा, कुछ ऐसा सीन किया? तो मैंने ऐसे मतलब अपने करियर में नहीं, अलीबाबा में इस शो में, हाँ अली के साथ मेरे एक दो सीन है बहुत अच्छे सीन्स थे, वो हम लोग ने स्टार्टिंग में किए थे, तो हम लोग एक नान खा रहे हैं, हम उस टाइम शहजादी को ढूंढ रहे थे, तो हम लोग ये पूरा पहरेदारी कर रहे थे परवाज की, तो उस टाइम पे मेरे और अली के कुछ सीन्स थे, हम लोग हंट पे निकले हुए थे ढूंढने के, तो हम खाना खा रहे हैं, खा शेयर कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि कैसे शहजादी को किस नाम से बुलाएंगे, अगर मिल गई तो थोड़ा उसमें बहुत उसमें ह्यूमर था अच्छा खासा और काफ़ी फन था, तो वो सारे सीन मेरे और अली के जो मुझे बहुत अच्छे। एक राज पहली बार देखा अलीबाबा में, मरियम काफ़ी अच्छा बेली डांस करती है, वो शायद सबको नहीं पता था, मतलब आपने भी शायद देखे होंगे तो यकीन नहीं किया इतनी खूबसूरती, मुझे पता था मैं मरियम पहले से जानता हूँ, तो आई होप इतनी खूबसूरत डांस, बेली डांस नहीं पता था, शी इज अ गुड डांसर ये पता था, हम लोग ऐसे जब ऐसे ऑफ टाइम मिलता है तो वी कीप ऑन डांसिंग। अच्छा चलो अच्छा है राज, ऐसे तरह आप लोगों को शो को प्यार मिले। अली बाबा के दोस्तों के लिए, दर्शकों के लिए क्या बोलना चाहते थे? अली बाबा के दर्शकों के लिए तो यही कहना चाहता हूँ यार, और लोगों को बताइए आपके अली बाबा आ रहा है, और खुद भी देखते रहिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, अपनी फैमिली को भी बताइए, मिलकर बैठ के देखिए, टेलीविजन पर देखिए, और हम आते हैं मंडे टू सैटरडे 8 बजे, तो देखते रहिए, और भी बहुत कुछ आने वाला है, आप देखते रहोगे तो हम लोग और बहुत अच्छा अच्छा मोटिवेज बढ़ेगा आपका। ठीक है सर, जाते जाते आपके नाम के साथ टीवी से बॉलीवुड तक। हेलो माय नेम इज आयुष श्रीवास्तव, आई एम प्लेइंग कुसुम इन अलीबाबा दास्तान, एंड यू आर वाचिंग टीवी से बॉलीवुड। थैंक यू सर, थैंक यू।